हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन है, तो लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन का DPI कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन के DPI को कैसे बढ़ा सकते हैं लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन के DPI को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन के DPI को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको इसमें से जाना होगा स्वाइप करते हुए ऑल आइकन्स पे। ऑल आइकन्स पे जाते हुए आपको मिल जाएगा ऑप्शन, देख सकते हैं एक से मिल जाएगा ऑप्शन सेटिंग्स का। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसके ज़रिए फ़ोन के DPI को आप इंक्रीज कर सकते हैं, DPI को बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में, देख सकते हैं। फिर आपको स्लाइड करते हुए जाना है इसमें से अबाउट फ़ोन पे, वर्जन पे जाकर बिल नंबर्स को ओपन करके डेवलपर ऑप्शन है ऑन कर देना है। ऑन करते हुए बैक जाना है, यहाँ से सिस्टम सेटिंग्स पे आ जाएंगे, जहाँ से डेवलपर ऑप्शन है आपके फ़ोन में शो करेगा, जिसको ओपन कर लेंगे। इसके ज़रिए अपने फ़ोन के DPI को आप बढ़ा सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, और DPI को बढ़ाकर अपने फ़ोन में इंक्रीज कर पाएंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ से DPI इंक्रीज कर सकते हैं, स्लाइड करते हैं तो आपके पास आता है स्मॉलेस्ट विथ DPI सेटिंग, जिसको आप बढ़ा सकते हैं 3 या फिर 500 पे कर देते हैं, तो फिर आपका 500 DPI आपका इस तरीके से शो करेगा और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से भी DPI को इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। एंड आप चाहें तो DPI को यहाँ से 350 भी कर सकते हैं, यानी जो आपका नॉर्मल हो जाएगा DPI जो पहले था। तो इस तरीके से DPI को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।